आरजेडी की तरफ से एक विवादित ट्वीट शुरू किया गया है, जिसमें एक तरफ संसद भवन की तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ जो ताबूत है उसका डिजाइन बनाया गया है। जेडीयू की तरफ से बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो इतिहास बन रहा है ये कलंकित इतिहास लिखा जा रहा है। इन सब के बीच आज सुबह से ही ऐतिहासिक तस्वीरें नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम की सामने आई हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध अपने अपने तरीके से हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर जो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है, क्या ये विरोध का सही तरीका है? ये तस्वीर हम आपको बता दें, ये राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज का ट्वीट है और ये विवादित ट्वीट है। इस तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं, एक तरफ देश का जो नया संसद भवन जिसका लोकार्पण उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:30 बजे कर चुके हैं उसकी तस्वीर है, और दूसरी तरफ ताबूत की तस्वीर लगाई गई है। क्या ये विरोध का सही तरीका है? क्या देश के संसद भवन की इस तरह से तुलना करना सही है? हालांकि लिखा कुछ भी नहीं है कैप्शन में, अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो उसके कैप्शन में सिर्फ आरजेडी की तरफ से ये लिखा गया है, ये क्या है? तंज कसा गया है, आलोचना की गई है। देश की 20 विपक्षी पार्टियां इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, अपने अपने तरीके से सभी विरोध जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विरोध का तरीका सही है? राष्ट्रीय जनता दल का जेडीयू का बयान भी सामने आया। जेडीयू ने कहा कि एक कलंकित इतिहास लिखा जा रहा है। नीतीश कुमार पहले ही बयान दे चुके हैं। संजीव, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा। देश को नए संसद भवन की सौगात मिल गई है, एक नया इतिहास लिख दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी ने जो ट्वीट किया है, जेडीयू ने जो बयान दिया है, आरजेडी ट्वीट करती है तो जो संसद भवन की तस्वीर लगाती है उसके साथ एक ताबूत की तस्वीर लगा दी जाती है, यह विवाद का तरीका, यह विरोध का तरीका क्या सही है? कैसे मौके पर जब एक नया इतिहास लिखा जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जाहिर है कि मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की मैं खुद रक्षा करूंगा। ये नियम होता है लोकतंत्र का, और शायद जब तक इस तरह का विरोध जो सामने आया है अभी तक वो इस संबंध में था कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, मैं बॉयकॉट करता हूँ, तब तक तो बात समझ में आती थी। लेकिन इस तरह का जो कंपैरिजन करते हुए एक ट्वीट अब से कुछ देर पहले आया है, और उस ट्वीट में इस संसद भवन की जो तुलना है वो एक ताबूत सी कर दी गई है, ये बड़ा ही अशोभनीय है। और इस बारे में यही कहा जा सकता है कि लगता है विरोध के तरीके कम पड़ने लगे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा है संसद भवन, ज़रा आपको हम एक बार समझाएं कि ये जो पीछे हमारे आप देख रहे हैं संसद भवन, ये ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिकोण बना हुआ है, और ये जो त्रिकोण बनाया गया है, तमाम डेफिनेशंस हो सकती हैं इसकी, लेकिन त्रिकोण बनाने की जो वजह है वो ये भी है कि ये जो ज़मीन थी जिस ज़मीन में बनाया गया है, ये ट्रायंगुलर ज़मीन है। यहाँ से मुख्य गेट की तरफ जाते हैं, और वो सामने अगर आप फव्वारा देख पाएँ तो यहाँ से वो मुख्य गेट है जहाँ से अभी फ़िलहाल सांसद अंदर प्रवेश करते हैं, वो उस तरफ है फव्वारा जहाँ पर मुख्य गेट है, और इस तरफ एक और गेट है संसद का जहाँ पर दूसरा गेट है, और इन दोनों गेटों के मध्य वो ज़मीन पड़ती है, सामने में पुराना संसद भवन है। तो एक त्रिकोण आकार है, और इस कारण से वो त्रिकोण रूप है इस बिल्डिंग का जो कि आर्किटेक्ट ने लिया। अब उस त्रिकोण से कहीं ना कहीं ये जो तुलना की गई है, ये लगता ऐसा है जैसे कि मानसिक दिवालियापन जैसी कोई बात हो गई है। विरोध करना जायज़ है, डिसएग्री करना भी जायज़ है, लेकिन इस तरह की जो तुलना है वो अपने आप में अशोभनीय है, और ऐसा लगता नहीं है कि जो तमाम 21 दल विरोध में उतरे हैं वो इस तुलना से बहुत सहमत होंगे। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।